नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे कहां कहां होगी बारिश और बर्फबारी, साथ ही किन इलाकों में पड़ सकता है कोहरा, और इसके अलावा जानेंगे तापमान का भी हाल। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बुधवार को उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना, तो उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकते हैं ओले। बुधवार को जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में हो सकती है काफी भारी बर्फबारी, तो हिमाचल प्रदेश में भी बुधवार को काफी भारी बर्फबारी का अनुमान। और मध्य महाराष्ट्र में गर्मी की मूंगफली की बुआई रखी जा रही, तो विदर्भ में सूरजमुखी की करें बुआई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर से। जो यहां आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल और बुधवार को जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रभाग में ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। साथ ही दो दिन हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने का अनुमान है। बुधवार को उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा की अगर बात की जाए, तो यहां भी तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो बुधवार को यहां तेज हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए, तो काफी भारी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी बुधवार को कुछ इलाकों में काफी भारी बर्फबारी की संभावना है। और खासतौर से जिस तरीके से ना सिर्फ बर्फबारी बल्कि बारिश देखने को मिल रही है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से माना जाता है जो स्थिति है वो नजर आ रही है। साथ ही साथ एक चक्रवात की भी बात कही गई है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई है मौसम विभाग द्वारा, आइए देखते हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो काफ़ी इंटेंस या घना है, उसका प्रभाव कल से पहाड़ों में देखने को मिलेगा, और इसका प्रभाव काफ़ी बड़े भाग में देखने को मिलेगा, जो जिससे तमाम जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ 6, 7 और 8 तारीख को काफ़ी एरिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और इसका प्रभाव धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ जाएगा, जिससे जो पूर्वी राज्य हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके प्रभाव से अगर हम वेदर की बात करें, तो ख़ास तौर से पहाड़ों में 6 और 7 तारीख को कई जगह में भारी हिमपात की संभावना है, और वहीं साथ ही साथ प्लेन्स में बरसात की संभावना, और ये बरसात धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ के 7 और 8 तारीख को और अप टू 9 तारीख तक ये पूर्वी राज्यों में भी हल्की फुल्की बरसात के साथ ईस्ट की तरफ चला जाएगा। और आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए, तो मौसम की चाल कैसी रही। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो कुछ जगह दिन यहाँ ठंडा रहा, वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह घना कोहरा छाया रहा। साथ ही असम, मेघालय, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह घना कोहरा रहा। तापमान की अगर बात करें, तो हरियाणा, बिहार, विदर्भ और ओडिशा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और जैसे कि आपने जाना, मौसम विभाग के अनुसार संभावना जताई गई है कि देश के कई हिस्सों में ओले भी पड़ सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि पहाड़ों में इससे अच्छी बर्फबारी 6 और 7 तारीख में देखने को मिलेगी, वहीं 6 और 7 तारीख को जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ज्यादातर राज्य हैं, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी, नॉर्थ राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, इन तमाम एरियाओं में इक्का दुक्का जगह में ओलावृष्टि की भी संभावना 6 और 7 तारीख को संभावित है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। और आइए बात करते हैं देश भर के मौसम की। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, तो कल और बुधवार को यहाँ पर कुछ जगह बरसात तो बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं उत्तर के मैदानी इलाकों में भी दोनों दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए, तो यहाँ फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, जबकि दक्षिण भारत में भी 2 दिन कुछ जगह बादल बरस सकते हैं।
मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। दो दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात और बर्फबारी होगी। मंगलवार और बुधवार को हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में बरसात होगी। दो दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बरसात हो सकती है। मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात होगी। पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय में दो दिन बरसात नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश में दो दिन बारिश के आसार नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार और बुधवार को बारिश होने के आसार नहीं है। दो दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बरसात नहीं होगी। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना नहीं है। ओडिशा में मंगलवार और बुधवार को बरसात नहीं होगी। बिहार में बुधवार को बरसात हो सकती है, जबकि झारखंड में मंगलवार और बुधवार को बरसात नहीं होगी। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात होगी, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में दो दिन बारिश होगी। मंगलवार और बुधवार को छत्तीसगढ़ में बरसात होने के आसार नहीं है। वहीं दो दिन विदर्भ में भी बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत की बात करें तो यहां मंगलवार और बुधवार को गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बरसात नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र में दो दिन बारिश नहीं होगी। वहीं मराठवाड़ा में भी मंगलवार और बुधवार को बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत में मंगलवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश होगी। केरल में दो दिन बारिश होगी। मंगलवार और बुधवार को उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में बरसात नहीं होगी, जबकि बुधवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में बरसात हो सकती है। दो दिन तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात के आसार नहीं है। लक्षद्वीप में मंगलवार और बुधवार को बरसात नहीं होगी। रायलसीमा और तेलंगाना में दो दिन बारिश नहीं होगी। मंगलवार और बुधवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। तो देश के अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये आपने जाना, लेकिन खासतौर से बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है, आइए देखते हैं। देखिए, खासतौर से तो ये पहाड़ों के लिए हमने अलर्ट जारी किया हुआ है, रेड वार्निंग भी दी हुई है 6-7 तारीख के लिए, क्योंकि काफ़ी जगह भारी हिमपात होने की संभावना। वहीं ओलावृष्टि से जो नुकसान होता है उसको देखते हुए ऑरेंज कलर की वार्निंग कई एरियाओं के लिए दी गई है। तो कुल मिला के ये अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिससे बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि और बर्फबारी के साथ में कई जगहों में खासतौर से खेती को नुकसान होने की संभावना है। तो उसको ध्यान में रहते हुए जो किसान भाई हैं अपने कार्यकलाप करें। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मौसम के लिहाज से बेहतर ढंग से कैसे करें खेती, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं देश के दो प्रमुख शहरों में अगले 4 दिनों के तापमान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने, पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार, हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। देश की अगर बात की जाए अलग अलग हिस्सों की, तो कुछ जगह बारिश साथ ही साथ बर्फबारी का भी अनुमान है, और ऐसे में जो हमारी फसलें हैं वो इससे काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं। तो ऐसे में जो इन इलाकों के किसान हैं उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी है, किस तरह की देखभाल करनी होगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। Thank you.
खेत में लगी फसलों को ठंड से बचाने के लिए फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें। किसान स्प्रिंकलर विधि से भी फसलों में सिंचाई कर सकते हैं। फलों के छोटे पौधों को ठंडी हवा से बचाने के लिए उन पर पॉलिथीन शीट्स ढकें। त्रिपुरा में बोरो धान की रुपाई को पूरा करें। साथ ही यहां तोरिया को कीटों से बचाने के उपाय करें। कीटों की संख्या अधिक होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। वहीं दिल्ली और आसपास मौसम को ध्यान में रखते हुए गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम की फसल की निराई गुड़ाई करें और चेपा कीट की निगरानी करें। मटर की फसल में फली छेदक कीट और टमाटर की फसल में फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इस मौसम में गेंदे में पुष्प सड़न रोग के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में किसान फसल की निगरानी करते रहे। इस मौसम में मिली बग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इसको रोकने के लिए किसान जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्का थीन की पट्टी लपेटे। तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें, जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। मध्य महाराष्ट्र में गर्मियों की मूंगफली की बुआई को जारी रखें, साथ ही यहां ज्वार की कटाई करें। विदर्भ में किसान गर्मियों की मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई करें। तो जाना आपने किस तरह की देखभाल आपको करनी होगी। और आइए अब आज की फसल में बात करते हैं लाल मूली की। जी हाँ, अभी का जो समय है इसके लिए काफ़ी उचित है, लेकिन इस दौरान भी कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, कई तरह की सावधानी आपको बरतनी होगी, जिससे भरपूर या उम्मीद के मुताबिक आप अपना जो उत्पादन है वो ले सकें। और इस मौसम में आइए जान लेते हैं किस तरीके से आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं लाल मूली की खेती। ये समय लाल मूली की बुवाई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। एक हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें, साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज एक हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है, इससे बचाव के लिए मेलाथियन 50 ईसी की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा एक हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों को आपको हमेशा इनको ख्याल में रखना होगा। खासतौर से जो खेत में लगी फसलें इनको ठंड से ज़रूर बचाएं, और फसलों में शाम के समय आप इसके लिए हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और खासतौर से किसान स्प्रिंकलर यानी छिड़काव विधि की अगर हम बात करें तो इसके ज़रिए फसलों में हल्की हल्की सिंचाई कर लें, और इसके साथ ही जो फलों के छोटे पौधे हैं उनको ठंडी हवा से बचाने का उपाय भी आपको करना होगा। वहीं त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप बोरो धान की रोपाई पूरी कर लें, साथ ही यहाँ पर तोरिया को कीटों से बचाने के उपाय भी करें, और अगर कीटों की संख्या अधिक आपको नज़र आती है तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। और आइए अब इसी के साथ ही नजर डाल लेते हैं दो और शहरों के तापमान पर। आगे मिर्च की खेती के बारे में विशेषज्ञ से करेंगे खास बातचीत और जानेंगे अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल। सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
का घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से दिल्ली और आसपास के जो किसान हैं, गाजर और मूली में आप समय से निराई गुड़ाई करते रहें, साथ ही मटर की फसल को फली छेदक कीट से भी बचाएं। और इस वक्त गेंदे में पुष्प सड़न रोग के खतरे की आशंका है, किसान इसलिए लगातार अपनी फसल की निगरानी करते रहें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में गर्मियों की मूंगफली की बुआई आप फिलहाल जारी रखें, साथ ही यहां पर आप जो ज्वार की फसल है उसकी कटाई कर सकते हैं। विदर्भ की अगर बात की जाए तो यहां पर किसान गर्मियों की मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं मिर्च की खेती को लेकर। जी हाँ, किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ अच्छी पैदावार आपको मिले, साथ ही जो मुनाफा है वो भी और ज़्यादा मिल सके। साथ ही खेती करते समय इस दौरान कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता सूरज निबोरिया ने बात की पूसा नई दिल्ली के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एडी मुंशी से। मिर्च की फसल जो आपकी खेतों में लगी है उसके बेहतर उत्पादन के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानकारी लेते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एडी मुंशी से। डॉक्टर एडी मुंशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मुंशी, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि किसान भाइयों ने खेतों में मिर्च की फसल लगाई है तो इस मौसम में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है मिर्च की फसल के लिए। किसान भाइयों को यही ध्यान देना चाहिए कि जितने ज़्यादा से हो सके जितनी मतलब तुड़ाई करते रहे। अगर कोई किसान भाई हरी मिर्च चाहते हैं तो वो विलंब ना करते हुए तोड़ते रहे। अगर किसान भाई इसको मसाले के तौर पे मिर्च को लेना चाहते हैं तो वो देखे कि कोई भी वो फल जो छोटा ना हो, टेढ़ा ना हो, फल का जो भी किस्म है उसके हिसाब से फल है तो उसी को रखे, बाकी फल को तोड़ते रहे पकने के लिए। दूसरी बात है जो कि मैंने बताया कि पाला पड़ने की संभावना बहुत हो सकती है, तो ये हल्का पानी देके अगर नमी रखे खेत में तो पाला से नुकसान होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। और जहाँ तक बात है कि इसके बाद अगर किसान भाई चाहे तो अभी से पॉली हाउस में पौध तैयार कर सकते हैं, नर्सरी तैयार करके गर्मी की फसल ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी की फसल में उत्तर भारत के मैदानी इलाके में गर्मी की फसल में फ़ायदा यह है कि उसमें मरूड़ियाँ बहुत कम लगती है। तो किसान भाइयों ने अगर पॉली हाउस में नर्सरी तैयार कर लिया तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं किया तो विलम्ब ना करते हुए पॉली हाउस में कम लागत के पॉली हाउस में, जैसे कि हम अपने भारतीय किसी अनुदान संस्थान के जो मेला होता है उसमें हम दिखाते रहते हैं कैसे आप कम लागत के पॉली हाउस में आप नर्सरी बना सकते हैं, तो आप पॉली हाउस में नर्सरी बनाइए। अगर पॉली हाउस का साधन नहीं है तो आप बांस का फ्रेम ले लीजिए, करीब 1.5 फुट ऊँचा रखिए, 45 सेंटीमीटर ऊँचा रखिए, नर्सरी बनाइए और पूरे चारों तरफ फ्रेम दे के उसके ऊपर चादर डाल दीजिए ठंड के मौसम में। इसमें आपका जमाव जल्दी हो जाएगा और करीब 40-45 दिन में पौधा तैयार हो जाएगा और उसको आप रुपाई कर दीजिए फरवरी के आखिर में, जब पाला पड़ने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगा। इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको गर्मी में काफ़ी अच्छी फसल मिलेगी और उसमें मरोड़िया जैसे बीमारी भी नहीं आएगी। बरसात के मौसम में मरोड़िया की बीमारी की आने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है, तो उत्तर भारत के मैदानी इलाके में हम हमेशा किसानों को सुझाव ये करते हैं कि बरसात के फसल को अवॉइड करें, या तो कोई रेजिस्टेंट किस्म लगाए नहीं तो गर्मियों में फसल ले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुंशी तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसान भाई बहनों, मिर्च में ऐसी कई बेहतर किस्में हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, साथ ही मिर्च की आप निरंतर तुड़ाई करें तो बेहतर उत्पादन भी आपको मिल सकता है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिलता है और मुनाफा भी अच्छा होता है। दूरदर्शन किसान से सूरज निबोरिया।
तो जाना आपने किस तरीके से एक लाभ जो है वो आपको मिल सकता है अगर आप संरक्षित रूप से मिर्च की खेती करते हैं, और खासतौर से जो आने वाला गर्मियों का मौसम है उसके लिए अभी से आप अगर चाहें तो नर्सरी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको अच्छा जो भाव है बाज़ार में वो भी मिल सकता है। और इस दौरान कई सावधानी आपको रखनी होंगी जो हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम सावधानी आप रखेंगे और बेहतर उत्पादन आपको मिर्च की खेती में मिल सकेगा। अब आइए बुलेटिन में आपको एक बार फिर बता देते हैं अगले दो दिन क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। सबसे पहले अगर बात की जाए कल और बुधवार की, तो जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रभाग में ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। साथ ही दो दिन हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने के आसार हैं। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां भी बुधवार को तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो बुधवार को यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए तो आपको बता दें बुधवार को यहां पर काफी भारी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी बुधवार को कुछ इलाकों में काफी भारी बर्फबारी हो सकती है। और आइए मौसम खबर में चलते चलते नजर डाल लेते हैं दो और शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।